आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के बीच देश के पश्चिमी राज्य एक और मुसीबत का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा समुद्री तूफान की मार झेल रहे हैं। ताऊते तूफान तेजी से महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। कर्नाटक, केरल और गोवा में तबाही के बाद अब खतरा महाराष्ट्र पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान मुंबई से 200 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे के करीब ये तूफान मुंबई के सबसे पास से होकर गुजरेगा। अभी तूफान की रफ्तार की अगर हम बात करें तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। गोवा में तूफान की वजह से कई पेड़ गिर गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। इस पर 2 लोगों की मौत की भी खबर है। उत्तरी गोवा में बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। गुजरात के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कच्छ में मछुआरों का समंदर से रेस्क्यू किया गया है। मुंबई में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं की वजह से माहिम के इलाके में कई पेड़ गिर गए हैं, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप जानिए कि किस तरीके से ताऊते तबाही मचा रहा है। और अभी भी ये खतरा टला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगले 2 घंटे बाद इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जब ये तटीय इलाकों के एकदम करीब से होते हुए गुजरेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक भी साफ कर चुके हैं कि अभी इसका असर और देखने को मिलेगा और अगले 2 घंटे में यह असर साफ तौर पर देखा जा सकेगा। हवाएं और तेज हो जाएंगी और बारिश भी और तेज हो सकती है। तो ये 6 तस्वीरें बता रही हैं ताऊते तूफान ने किस तरह तबाही मचाई है। खतरा अभी टले नहीं है। गोवा में 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। उत्तरी गोवा की तस्वीरें बता रही है, वहां पर बिजली के खंभे गिर गए हैं। कई तटीय इलाके ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अलग अलग इलाके और वहां का हाल। तो हमारे सहयोगी वेदनाथ नेम ने मुंबई से गिरगांव चौपाटी से एक रिपोर्ट भेजी है, वहां के हालात क्या है जान लीजिए। मुंबई के गिरगांव चौपाटी और मलबार झील के दरमियान का जो इलाका है वहां पर मैं हूँ। ये आप देख सकते हैं समुद्री तट, जहां पर तेज हवाएं हमें देखने मिल रही है, बारिश भी है। जैसे जैसे ये चक्रवात उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है, अब मुंबई और अलीबाग के बीच में कम से कम 170 किलोमीटर अंतर पर ये चक्रवात है, और वहाँ से 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यहाँ पर जो हवाएं हमें देखने मिल रही हैं। और पूरा जो यहाँ पर देख सकते हैं मछुआरों को बाहर आने के लिए कहा जा रहा है, कल से ये चेतावनी दी जा रही है, लेकिन जो अंदर उनकी नौका अटकी पड़ी है उन्हें बाहर निकलने का काम ये कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर तैनात है, NDRF की टीम अलग अलग समुद्री तट पर तैनात है, लाइफ गार्ड है और मुंबई महापालिका भी पूरी तरह से तैयार है। खास करके समुद्री तट पर जो लोग हैं उन्हें सतर्क किया गया है। जैसे ही ये तेज हवाएं और तेज होगी, PMC की ओर से प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से जो अलग अलग टीम NDRF टीम हो या अलग अलग टीम हो उन्हें सतर्क कर जो लोग समुद्री तट पर है वहाँ से उन्हें शिफ्ट किया जाए। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं अब बारिश मुंबई की अलग अलग जगहों पर है, उसी तरह से हवाएं भी और तेज़ हो गई है। कल रात से ही बारिश मुंबई हो, ठाणे हो, रायगढ़ हो, यहाँ पर गिरती हुई आपने देखी है। मुंबई, ठाणे, पालघर यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है, तो रायगढ़ में रेड अलर्ट, और यहाँ पर कई जगहों पर जिस तरह से ये तेज़ हवाएं चल रही है, पेड़ गिरने की पेड़ हमें रोड पर गिरते हुए देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की जो अलग अलग गाड़ियां हैं वहां पर मौजूद हो रही है और पेड़ों को साइड में किया जा रहा है, ट्रैफिक पर किसी तरह का असर ना हो इसलिए, लेकिन इमरजेंसी काम हो तो ही बाहर जाए, क्योंकि जिस तरह से बारिश बढ़ गई है, तेज़ हवाएं हैं, इस तरह लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है कि आप बाहर ना निकले। कैमरामैन गजन बालापुर के साथ वेदांत ने ABP न्यूज़ मुंबई। तो तेज़ हवाएं किस तरीके से चल रही हैं, इसकी वजह से कहीं भी कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। ताऊते की वजह से महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज हवाएं चल रही हैं, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। श्रीवर्धन शहर से देखिए संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। ताऊते चक्रवाती कल रात 2 बजे से 5 बजे के दरमियान श्रीवर्धन से मुंबई की तरफ गई है। अभी भी आप समंदर में देख सकते हैं बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पे आ रही है और हवा भी तेजों से चल रही है। सुबह से यहाँ पे बारिश थी, अभी बारिश कम हुई है, लेकिन अभी भी जोरों सी हवा यहाँ पे चल रही है। और इसके बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, अमित शेड़के। सर, क्या कहेंगे आप, किस तरह अभी प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है और लोगों की क्या हालत है अभी? IMD की तरफ से 16 और 17 तारीख को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तूफान आएगा इसके बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके चलते हमने लो लाइंग एरिया में से और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को जो है सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। श्रीवर्धन तहसील में से लगभग
1300 लोगों को हमने सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया है। वैसे ही हमने रास्ते ब्लॉक न हो इसलिए सारे जेसीबीज और वुड कटर जो है वो जगह जगह पर टीम के साथ दिए हुए हैं, जिसके चलते अगर कोई रोड ब्लॉकेज है तो जल्दी से जल्दी हम दूर कर सकें। पूरे जिले में करीब 7,500 लोगों को स्थलांतरित किया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पूरे रायगढ़ में जो किनारे वाले जो तहसील है उस सारे तहसील में से लोगों का शिफ्टिंग जो है वो जिलाधिकारी मैडम के निर्देशानुसार किया गया है। अभी तैयारियां पूरी हैं लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तूफान की खतरनाक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं ताकि आपको सावधान कर सके कि बाहर निकलना क्यों खतरे से खाली नहीं है। मृत्युंजय सिंह को आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जो लगातार मुंबई से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय, अभी के ताजा हालात किस तरीके के हैं मुंबई में? प्रतिमा, बिल्कुल, मुंबई में लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, और ये तस्वीर सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई के आसपास के इलाकों से आ रही है कि लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें कि मुंबई के कुछ इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें से मुंबई का बांद्रा कॉटर रोड है, मुंबई का माहिम इलाका है, शिवाजी पार्क दादर इलाका है और दक्षिण मुंबई के कुछ इलाके हैं जहाँ पेड़ के कुछ हिस्से गिरे हुए हैं। मैं जुहू चौपाटी पर हूँ। थोड़ा उग्र रूप देखिए समुद्र का, अरब सागर का ये उग्र रूप है। ऊँची लहरें उठ रही हैं और ये ऊंची लहरें दिखाती हैं कि साइक्लोन का कितना प्रभाव है, और अभी तो आने वाले 3 घंटे में इसका प्रभाव और अधिक देखने को मिल सकता है, इसका प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। अभी जो हवाएं हैं वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। अब कल्पना कीजिए कि ये जो साइक्लोन यहाँ जहाँ गुजरात में हिट करेगा वहाँ 3 गुना रफ्तार होगी, तो ऐसे पर कल्पना किया जा सकता है कि ये खतरा टला नहीं है और ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। पर सावधानी बरती गई है, सावधानी इसलिए बरती गई है कि दूर दूर तक, या आप 6 किलोमीटर के स्ट्रेच में देखिए जुहू चौपाटी के, आपको कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा। सिर्फ एबीपी की टीम यहाँ मौजूद है और हमने अपनी सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ के कुछ सदस्यों को यहाँ हमारे साथ तैनात किया गया है, तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि तैयारियां किस प्रकार से हैं। पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति समुद्र के किनारे पर खास तौर पर ना जाए। मछुआरों को पहले ही कह दिया गया था कि वो अपने नावों को समुद्र के किनारे लगा दें, बंदरगाहों पर लगा दें। कोई अप्रिय घटना हो इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, अगर होती है उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एनडीआरएफ की टीम, बीएमसी की टीमें तैनात की गई हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि मंत्रालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस मंत्रालय के कंट्रोल रूम से आसपास के सभी जिलों के जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे संपर्क में रखा गया है और जैसे ही आपात स्थिति आती है, आवश्यकता होती है, उस प्रकार से कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तूफान से निपटने की तैयारी पूरी दिखाई दे रही है लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं, जो कि हम लगातार कह रहे हैं। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक महेश पलावट जी लगातार बने हुए। महेश जी, हम दो तरह के अलर्ट्स की बात भी अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है, कुछ इलाकों में खतरा ज्यादा देखते हुए रेड अलर्ट। तो आम जनता की समझ के लिए अगर आप बता सके कि ऑरेंज अलर्ट कब और क्यों जारी किया जाता है और रेड अलर्ट कब और क्यों? देखिए, जब खतरा बहुत ज्यादा होता है, जानमाल का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस समय रेड अलर्ट जारी किया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि लोग घरों में ही रहें, बिल्कुल भी बाहर ना निकलें और पूरी सावधानी बरतें। और ऑरेंज अलर्ट होता है कि जब खतरा मतलब थोड़ा सा कम होता है लेकिन फिर भी जानमाल का खतरा बना रहता है, और उस समय भी लोगों को पूरा प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ती है। और इस समय जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है ये महाराष्ट्र कोस्ट के लिए, नॉर्थ महाराष्ट्र कोस्ट के लिए जो जारी किया गया है, ये मुंबई, ठाणे, डहाणू, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो इसीलिए है कि अब जो तूफान है वो मुंबई के लगभग पैरेलल गुजर रहा है और थोड़ा सा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ गया है। जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो जो उसके सदर्न पेरिफेरल क्लाउड्स होंगे, क्लाउड बैंड होगा, और जो सदर्न विंड्स होंगे वो काफी तेजी से मुंबई की तरफ आना शुरू हो जाएगी और उस समय बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और हवा की स्पीड जो इस समय चल रही है वो 15-20 किलोमीटर और ज्यादा हो जाएगी। तो उस समय जैसे मैंने पहले बताया कि पेड़ उखड़ने का खतरा रहता है, इलेक्ट्रिक और कम्युनिकेशन लाइन्स को गिरने का खतरा होता है, और उसके बाद क्या मतलब बिजली का करंट वगैरह लग सकता है लोगों को, क्योंकि बारिश हो रही होती है, और साथ साथ एस्बेस्टस की छतें हो गई, टीन की छतें हो गई और कच्चे जो मकान है इनको नुकसान पहुंचता है, और जो इधर उधर लूज आर्टिकल है वो इधर उधर जब तेजी से हवा के साथ उड़ते हैं तो वो भी लोगों से टकरा करके जान का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, तो ये ना समझे कि रेड अलर्ट का मतलब है कि आपको नहीं निकलना है, ऑरेंज अलर्ट भी उतना ही आपको सावधान करता है और ये बताता है कि खतरा टला नहीं है। और जब तक मुंबई की बात करें तो वहां से तस्वीरें भी लगातार जो आ रही है सामने वो बताती है कि आपको अभी घरों के भीतर रहने की जरूरत है, क्योंकि 2 घंटे बाद इस तूफान का और ज्यादा असर मुंबई और उसके
तटीय इलाकों में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब बात ताऊते तूफान की कर लेते हैं, जो कि तबाही मचा रहा है और अभी भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां से इसे होकर गुजरना है, उसका भी अपडेट हम आपके सामने रख देते हैं। देखिए रत्नागिरी से होते हुए ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसका रूट हम एक मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद ये मुंबई पहुंचेगा, सुबह 11:30 बजे के वक्त बताया जा रहा है ये मुंबई हिट करेगा, उसके बाद दमन और आगे वेरावल पहुंचेगा। रत्नागिरी में रात 11:30 बजे 200 किलोमीटर अंदर समंदर में ये पहुंचा, रफ्तार इसकी कितनी थी ये हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ये मुंबई पहुंचेगा, जिसका समय करीब 11:30 बजे सुबह का बताया जा रहा है, समंदर में 200 किलोमीटर अंदर, जिसकी रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। जब इसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो दमन की तरफ आगे बढ़ेगा, रात 11:30 बजे के आसपास ये दमन पहुंचेगा, समंदर में 200 किलोमीटर अंदर, जिसकी रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, और वेरावल में ये 18 मई की सुबह तट से टकराएगा। तो ताऊते कुछ इस तरीके से तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रहे। हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मृत्युंजय, अभी क्या हालात है? प्रतिमा, बेहद तेज बारिश, आपको बताएं कि हम फील्ड पर सुबह 6 बजे से हैं और सुबह कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो रही थी, कुछ इलाकों में रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो बारिश है उसकी रफ्तार भी तेज़ हो रही है और हवाएं भी तेज़ी से चल रही हैं। तस्वीरें लगातार देखिए, बहुत ही उग्र समुद्र देखने को मिल रहा है। आमतौर पर मई महीने में हम ऐसी तस्वीरें मुंबई के समुद्री किनारों पर नहीं देखते हैं, गर्मी का मौसम होता है, पर आज पूरी तस्वीर ही अलग है, मानो ये अगस्त का महीना हो और हाई टाइड का वक्त हो। लेकिन आज का जो हाई टाइड का समय है वो हाई टाइड का वक्त भी 3 बजे दोपहर का दिया गया है, जब समुद्र में 3.5 मीटर से ज़्यादा ऊंची लहरें उठेंगी। लेकिन ये अभी की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि मानो हाई टाइड आ गया है, उग्र रूप देखने को मिल रहा है और बहुत ही धुंधली तस्वीर है। इसकी वजह यह है कि पूरा कोहरे जैसा छाया हुआ है और बारिश लगातार हो रही है। मुंबई के तटीय इलाकों की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, साथ ही साथ बात कर रहे हैं मुंबई के आसपास के इलाकों की, जहां पर लगातार तेज़ बारिश हो रही है। मुंबई के आसपास अगर हम बात करें तो वसई, विरार, पालघर, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, इन इलाकों में भी लगातार तेज़ बारिश हो रही है। ये तस्वीरें तो हम दर्शकों को जुहू चौपाटी की दिखा रहे हैं, 6 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है और इस पूरे स्ट्रेच में आपको कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आएगा, ना पशु नज़र आएंगे, यहाँ तक कि जो पालतू पशु होते हैं, कुत्ते हैं, उनको तक यहाँ से हटा दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई भी क्षति किसी को ना हो, तो ये सुनिश्चित किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें हैं, मुंबई महानगर पालिका की टीमें हैं, लगातार गश्त लगा रही हैं। जरा ये काला जो आप रंग देख रही हैं, ये काले बादल हैं जो मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं और ये लगातार जो बारिश हो रही है उसका कारक है। मुंबई में लगातार जो तेज़ बारिश हो रही है उसकी वजह से कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें से 4-5 इलाके हैं, माहिम इलाका, शिवाजी पार्क इलाका, बांद्रा इलाका, इन जगहों पर पेड़ गिरे हैं। कुछ गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन समुद्र का ये जो रुद्र रूप है वो बेहद कम देखने को मिलता है और सीधी बात है कि ये साइक्लोन का सीधा सीधा असर है। अभी मुंबई से समानांतर लगभग 140 या 150 किलोमीटर की दूरी पर जो चक्रवाती तूफान है वो उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है। अभी जो हवा की रफ्तार है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर 3 गुना, यानी जब गुजरात में ये हिट करेगा और 3 गुना हवा की रफ्तार होगी तो कितना ज़्यादा प्रभाव होगा इस चक्रवाती तूफान का। तो मुंबई को अगले कुछ घंटे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं हमें नज़र भी आ रहा है कि लोग बहुत सावधानी बरत रहे हैं, घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर ये सावधानी पूरे दिन भर आज रखनी है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसका पूरा ख्याल रखना है। तो बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। रिस्क लेते हुए मृत्युंजय बता रहे हैं कि किस तरीके का खतरा बाहर है, इसलिए घरों के बाहर ना निकले। आज भर की बात है, ताऊते तूफान जब आगे गुजर जाएगा तो मुंबई पर ये संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो भी छट जाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।